नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एन जी एस में। दोस्तों, हम कक्षा आठ की प्रश्नावली 1.1 लगा रहे हैं एन सी आर टी की। दोस्तों, उसका 10वां प्रश्न हमने लगाया था, फिर से देख लेते हैं 10वां। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, दोस्तों वो संख्या है 0। आपने जाना परिमेय संख्या दोस्तों क्या होता है, ये है दोस्तों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का ये बड़ा गोला है, इसके अंदर आपके दोस्तों आते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या इसी में आती है, इसी के अंदर आती है आपको पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप जानते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या को लिए रहती है, इसीलिए मैं इस गोले को ऐसे बनाया है मैंने। इसी के अंदर दोस्तों आती है आपकी ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है दोस्तों। और जितनी भी भिन्न होती हैं, भिन्ने जो होती हैं, वो भी परिमेय संख्या होती है, ठीक है दोस्तों। परिमेय संख्या एक बड़ा गोला है जिसके अंदर ऋणात्मक संख्याएं, भिन्न प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या सब लिए हुए होती है। और दोस्तों, एक और संख्याएं होती हैं जिसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, इसके अंदर दोस्तों कौन कौन संख्याएं आती है, जैसे हो गया √2, √3, ये दोस्तों संख्याएं, ये है अपरिमेय संख्याएं। और दोस्तों, इन दोनों को यदि हम मिला दें, इन दोनों को हम मिला दें तो आ जाती है सभी संख्याएं। सभी संख्याएं इतनी ही हैं दोस्तों, सभी संख्याएं। कोई भी संख्या को आप परिमेय संख्या कह सकते हैं या अपरिमेय संख्या, और किसी भी प्रकार की कोई संख्या नहीं होती। क्योंकि हम दोस्तों, आप देख रहे हैं परिमेय संख्याएं के अंदर हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भिन्न और ऋणात्मक संख्याएं पहले ही ले चुके हैं, और मैंने आपको बताया अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं, है ना दोस्तों। आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कोई व्युत्क्रम नहीं, वो है दोस्तों 0, क्योंकि 0, 0 को आप किस संख्या से गुणा करें कि आपको 1 मिल जाए। कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका गुणा करने पे 1 प्राप्त हो। दोस्तों, व्युत्क्रम वही होता है, संख्या को ये हम ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि हमें 1 मिले। 0 के साथ ये संभव नहीं है। कह रहा है परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है दोस्तों, वो संख्या है 1, 1 और -1। दोस्तों, 1 को गुणा करेंगे आप किससे तो आपको 1 मिलेगा, 1 को आपको 1 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। और -1 को आप किस संख्या से गुणा करेंगे कि आपको 1 प्राप्त हो, तो दोस्तों -1 से ही गुणा करना पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो 1 और -1 ऐसी संख्याएं हैं जिसके व्युत्क्रम और वो समान होते हैं। परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान है दोस्तों, 0 एक ऐसी संख्या है, 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होना। 0, -0 या फिर +0, ये दोस्तों सबका मतलब वही है, कुछ भी नहीं होना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 0 लिख रहे हैं या -0 या +0, उसका मतलब है 0 ही। वह संख्या जो अपने ऋणात्मक समान में है वो है दोस्तों 0। फिर यहाँ रिक्त स्थान अब भरते हैं। शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों, शून्य का व्युत्क्रम संभव नहीं है दोस्तों, शून्य का व्युत्क्रम संभव नहीं है, ठीक है दोस्तों, नहीं होता। संख्याएं डैश तथा डैश का स्वयं के व्युत्क्रम है दोस्तों, ये तो वही हो गया हमारा, ये दूसरा वाला प्रश्न जो था ऊपर। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, संख्याएं 1 और -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। -5 का व्युत्क्रम दोस्तों क्या हो जाएगा, -5 को हम किस संख्या से गुणा करें कि हमें 1 मिले, 1/-5, है ना दोस्तों। माइनस माइनस भी कट जाएगा और 5/5 भी कट जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -1/5, ठीक है। और 1/x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/x है यहाँ पे, इसको हम किस चीज़ से गुणा करें कि हमें 1 मिले, किस चीज़ से गुणा करें दोस्तों, x हमें काटना होगा, x काटने के लिए हमें यहाँ x चाहिए, x x कट गया, तो व्युत्क्रम हो जाएगा दोस्तों इसका x। यहाँ बोलो, यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है x जो है यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, x की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, x चर है ना, चर वेरिएबल, x की आप कुछ भी रखें, परंतु आप 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप 0 रख देंगे तो आप अपरिभाषित हो जाएगा। गणित में 1/0 की कोई परिभाषा नहीं है, 1/0 है अपरिभाषित, कोई परिभाषा नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, 1/0 का कोई मतलब नहीं है गणित में, आप कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते।
दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है दोस्तों, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही रहेगा। आप दोस्तों ऋणात्मक से तो गुणा कर नहीं देंगे, तो हमें एक नहीं माइनस एक मिल जाएगा। जब कोई धनात्मक संख्या है, मान लेते हैं 4 है, तो उसको दोस्तों आप गुणा 1/4 से ही तो करोगे, माइनस 1/4 से कर दोगे तो ये माइनस नहीं हो जाएगा, तो धनात्मक ही होगा। धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम खत्म करते हैं। आशा करते हैं आप परिमेय संख्याओं के बारे में जाना होगा आपने, और ये कुछ प्रश्न किए हैं हमने। धन्यवाद।